अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.9, क्वेश्चन नंबर 7 to 14। सबसे पहले तो देखें, आपने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा, आपने देखा कि टेलर पॉलीनोमियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑर्डर 0 का, ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 3 का। और आपको ये भी बताया कि अगर किसी और ऑर्डर का भी आपसे पूछा जाए टेलर पॉलीनोमियल, तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आज जो हमने करना है वो मैकलॉरिन सीरीज़ है। मैकलॉरिन सीरीज़ जो है वो बेसिकली आपके पास टेलर सीरीज़ से जनरेट होती है। तो टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला देखें, एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, एक्स माइनस ए, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वेयर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यही फार्मूला जो है वो हमने टेलर पॉलीनोमियल के लिए भी पढ़ा है, यही फार्मूला टेलर सीरीज़ के लिए भी है, तो टेलर पॉलीनोमियल और टेलर सीरीज़ में क्या डिफरेंस हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि यहाँ पर टेलर पॉलीनोमियल में यहाँ पर लिखा जाता है पी एन ऑफ एक्स, ठीक है। टेलर पॉलीनोमियल जो है उसकी लास्ट टर्म लाजमी होती है, लेकिन टेलर सीरीज़ के लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास कोई लास्ट टर्म हो। सीरीज़ आपके पास इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, बट पॉलीनोमियल इनफाइनाइट नहीं होता। पॉलीनोमियल की आपके पास लास्ट टर्म जो है वो लाजमी होती है, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ का मतलब है कि वो इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, बट पॉलीनोमियल की जब आप बात करते हैं तो वो हमेशा आपके पास फाइनाइट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ आपने देखी कि आपने फंक्शन में एक दफ़ा ए रखना है, फंक्शन के डेरिवेटिव में एक दफ़ा ए रखना है, फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में ए रखना है, फंक्शन के ट्रिपल डेरिवेटिव में ए रखना है, यहाँ ए आएगा, ठीक है। उसके बाद याद करने का आपको तरीका बताया था कि अगर यहाँ पहला डेरिवेटिव है तो यहाँ एक्स माइनस ए की पावर 1 है, यहाँ अगर डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ एक्स माइनस ए की पावर 2 है, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो एक्स माइनस ए की पावर 3 है। बिल्कुल इसी तरह अगर डबल डेरिवेटिव है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। और ए वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड या जिसके अबाउट आपने अपना टेलर सीरीज जनरेट करनी है या अपना टेलर पॉलीनोमियल जनरेट करना है, ठीक है, ए आपके पास वो पॉइंट होता है। अब मैकलॉरिन सीरीज में क्या फर्क है, मैकलॉरिन सीरीज में ये जो ए है ना, यानी कि जिसके अबाउट आपने अपनी सीरीज जनरेट करनी है, ए पॉइंट, ए द पॉइंट जिसके अबाउट आपने अपनी टेलर सीरीज जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो मैकलॉरिन सीरीज में क्या फर्क है, मैकलॉरिन सीरीज में ये ए जो है ये जीरो होता है, ठीक है, मैकलॉरिन सीरीज में आपका ए जो है वो जीरो होता है। बस यही डिफरेंस है अगर आपको ए गिवन है या नहीं गिवन। जब उसने मैकलॉरिन सीरीज का वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब है कि ए आपका जीरो ही रहना है, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ पे ए की जगह जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी ए की जगह जीरो लिख दिया, यहाँ पे भी ए की जगह जीरो, 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 और यहाँ पे भी ए की जगह जीरो। तो अब आप देखें कि ये आपके पास क्या बन गया, एफ ऑफ जीरो, ये एक्स माइनस जीरो करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक्स बचेगा, एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वेयर है तो x माइनस जीरो करेंगे x बचेगा, ऊपर स्क्वेयर है तो ये आपके पास x स्क्वेयर आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल और साथ f डबल डैश ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। तो अगर आप गौर करो, यहाँ पे भी जीरो आना है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो मैकलॉरिन सीरीज आपके पास टेलर सीरीज से ही जनरेट हो रही है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि मैकलॉरिन सीरीज का आपके पास फॉर्मूला है एफ ऑफ जीरो, फिर एक्स और फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एट जीरो, एक्स का स्क्वेयर, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, एक्स की पावर 3, फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है। आपके पास मैकलॉरिन सीरीज क्या है, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स का स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो ये अब हमने यूज करने हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 to 14 तक। इन एक्सरसाइज 7 to 14 फाइंड द मैकलॉरिन सीरीज फॉर द फंक्शन। फंक्शन आपको दिया हुआ है ए की पावर माइनस एक्स। मैकलॉरिन सीरीज का ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपकी मर्जी है आपने थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है, आपने फोर्थ तक करना है या आपने फिफ्थ तक करना है, ठीक है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये कि सेकेंड डेरिवेटिव तक ना छोड़ें,
थर्ड एटलीस्ट निकाल लें ताकि जब आप सीरीज लिखें तो आपके पास तीन चार टर्म्स हों सीरीज को राइट डाउन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप थर्ड डेरिवेटिव तक लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपने गिवन फंक्शन के थ्री डेरिवेटिव्स निकाल लें, उन थ्री डेरिवेटिव्स में और साथ ही साथ फंक्शन में भी एक्स की जगह पर आपने क्या रख देना है, जीरो, ठीक है। पहले डेरिवेटिव में भी, दूसरे डेरिवेटिव में भी, तीसरे डेरिवेटिव में भी और फंक्शन में भी, ठीक है। तो पहले फंक्शन के तीन डेरिवेटिव्स लेंगे, फिर उसमें एक्स की जगह पर आप जीरो रखेंगे, उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी उसको आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखें आपके पास लिखा हुआ है ई की पावर माइनस एक्स, फंक्शन आपको दिया है ई की पावर माइनस एक्स। जब मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया तो मैंने लगा दिया डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब आपको बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये खुद ही है और आगे इसकी पावर का भी डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से तो वन हो जाएगा, ये वाला माइनस सात वैसे। तो जब ई की पावर माइनस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगी आई गेट माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है क्योंकि एटलीस्ट थ्री डेरिवेटिव्स तो मुझे चाहिए। अगर आप फोर या फाइव तक जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन एटलीस्ट थ्री आपने लाजमी फाइंड करने हैं। तो अब इसका ये पहला डेरिवेटिव आया था, इसी का फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है। जब मैं दूसरा डेरिवेटिव लेने लगी हूँ, यहाँ मैंने एफ डबल डैश ऑफ एक्स लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया डी बाई डी एक्स माइनस सी की पावर माइनस एक्स। अब ये माइनस तो आपको पता है कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ ई की पावर माइनस एक्स पे लगेगा। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स खुद ही है और आगे आपने इस माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस वन आ जाएगा। जब आप एक्स का डेरिवेटिव लेते हो एक्स के लिहाज से वन, जब आप माइनस एक्स का डेरिवेटिव लोगे एक्स के लिहाज से तो वो माइनस वन। तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस है ई की पावर माइनस एक्स। सिमिलरली अब आप जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स ही, और आगे आपने इस माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को जब ई की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये थ्री डेरिवेटिव्स मेरे पास आ गए, इन तीनों डेरिवेटिव्स में मैंने क्या रखना है, जीरो रखना है, ठीक है। तीनों डेरिवेटिव्स में मैंने क्या रखना है, जीरो रखना है। सबसे पहले तो मैं अपने फंक्शन में जीरो रखने लगी हूँ, जहाँ एक्स है इधर भी जीरो रख दिया मैंने, इधर भी, ठीक है। ये मैंने ये सामने सामने लिखे हैं, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जीरो। अब माइनस राइट डाउन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जीरो न्यूट्रल नंबर है, जीरो के साथ ना प्लस लगता है ना माइनस लगता है। तो ई की पावर जीरो, किसी भी नंबर की पावर जीरो, आंसर वन। उसके बाद जब आप पहले डेरिवेटिव में रखेंगे तो पहला डेरिवेटिव आपके पास ये निकला माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये मैंने लिख दिया। पहला डेरिवेटिव मेरे पास निकला माइनस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर मैंने जब एक्स की जगह पर जीरो रखा, यहाँ पे भी एक्स की जगह पर जीरो रख दिया, किसी नंबर की पावर जीरो, आंसर वन, ये माइनस सात वैसे। अब आप देखेंगे आपके पास वन माइनस वन, वन माइनस वन चलेगा, ठीक है। अब आप देखो जब डबल डेरिवेटिव मेरे पास आया था ई की पावर माइनस एक्स, मैंने यहाँ लिखा है डबल डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स था। इस डबल डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर जीरो लगाना है, इधर भी और इधर भी, ई की पावर जीरो, आंसर वन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पहले आंसर आपके पास वन आया है, फिर आपके पास माइनस वन आया है, फिर वन आया है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट में आपके पास फिर माइनस वन आएगा। तो थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास निकला है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। जब मैंने यहाँ पे भी एक्स की जगह पर जीरो लगाया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पर जीरो लगाया, किसी नंबर की पावर जीरो, वन, ये माइनस सात वैसी, तो मेरे पास माइनस वन आ गया, ठीक है। अब आप इसको अपने फॉर्मूला में पुट कर दें। फॉर्मूला है आपके पास एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन। तो आपने देखा एफ ऑफ जीरो का आंसर वन था, फिर एफ डैश ऑफ जीरो का माइनस वन था, डबल डैश ऑफ जीरो का वन था, ट्रिपल डैश ऑफ जीरो का माइनस वन था, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा वन प्लस माइनस माइनस, एक्स को वन से मल्टीप्लाई किया एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल को वन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल आ गया, प्लस माइनस माइनस, एक्स क्यूब को वन से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, नीचे थ्री फैक्टोरियल है वो वैसे ही, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि आपने थर्ड डेरिवेटिव तक तो निकालना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आप देखेंगे आप फोर्थ डेरिवेटिव तक भी जा रहे हैं या फिफ्थ डेरिवेटिव तक भी जा रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस क्वेश्चन में थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड कर लें तो इनफ है या हमें फोर्थ या फिफ्थ भी रिक्वायर्ड है। तो देखें जब भी आप डेरिवेटिव्स निकालते हैं ना,
तो एक सीरीज इस तरह से बननी चाहिए कि आपको पता चले कि आइदर आपकी नेक्स्ट टर्म जीरो तो नहीं हो रही, या आइदर आपकी नेक्स्ट टर्म एक सीक्वेंस से आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब आप देखो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, पहले प्लस का साइन है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। ठीक है, अगर मैं सेकेंड डेरिवेटिव तक छोड़ देती, थर्ड ना फाइंड करती, तो मेरे पास आना था प्लस माइनस प्लस। आई एम नॉट श्योर कि मेरी नेक्स्ट टर्म माइनस में आएगी कि नहीं। अगर मैं यहाँ तक छोड़ देती तो ये प्लस माइनस प्लस हो सकता है, अगली टर्म प्लस में भी आ जाती। ठीक है, लेकिन जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकाला तो मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई कि मेरी एक टर्म प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है, फिर माइनस में, इसका मतलब नेक्स्ट प्लस में जाएगी, उससे अगली माइनस में जाएगी। तो एक सीक्वेंस जनरेट हो गया मेरी सीरीज का। ठीक है, अब अगर मैं इसकी नेक्स्ट टर्म देखना भी चाहूँ तो मुझे पता है कि एक्स की पावर फोर ओवर फोर का फैक्टोरियल आएगा, उससे नेक्स्ट टर्म अगर लिखना चाहूँ तो माइनस एक्स की पावर फाइव ओवर फाइव फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो सीरीज इस तरह से आपने लिखनी है कि अगर आप उसकी ऐसे इस तरह से बनाना है आपने कि आपको उसका नेक्स्ट सीक्वेंस जो है वो पता चल सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है मेरे पास, एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है। थर्ड डेरिवेटिव तक तो आपने लाजमी फाइंड करना है, क्योंकि सिर्फ टू डेरिवेटिव तक फाइंड करने से आप ये नहीं देख सकते कि आपकी सीरीज का कोई सीक्वेंस बन भी रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ अगर थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव निकालने तक भी आपको सीक्वेंस नहीं समझ आ रहा तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप सो ऑन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि इसकी अगली टर्म क्या आएगी या उससे अगली क्या होनी चाहिए, अगर आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं तो फिर आप थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करें ताकि आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकें। तो कोशिश करें थर्ड डेरिवेटिव तक लास्ट भी निकालें, सेकेंड डेरिवेटिव तक स्टॉप ना करें। ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ है, पहला डेरिवेटिव लेना है तो मैंने डी बाई डी एक्स लगा दिया एक्स पे, ई की पावर एक्स पे। ठीक है, अब ये मेरा पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन हो जाएगा, दूसरा साथ वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स खुद ही होता है। और अगर आगे आप इस पावर का डेरिवेटिव देखें भी तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन हो जाएगा, तो आगे वन लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर यहाँ माइनस एक्स होता तो फिर माइनस वन आना था। ठीक है, फिर उससे फर्क पड़ता है क्योंकि उससे मेरा फिर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर देख लें क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन, दूसरा वैसे ही, फिर प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहां से आपके पास पहला डेरिवेटिव आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, अब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो मैंने यहाँ पर पहले सिंगल प्राइम लगाया था, अब जब दोबारा डेरिवेटिव लेने लगी हूँ यहाँ मैंने डबल प्राइम लगा दिया, और डेरिवेटिव लेना है आपने ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स का, तो डेरिवेटिव आपने ई की पावर एक्स का भी लेना है, डेरिवेटिव आपने एक्स ई की पावर एक्स का भी लेना है। ठीक है, अगेन आपको पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स खुद ही है, और आगे अगर आप इस पावर का डेरिवेटिव देखना चाहें तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो वन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करो तो ये एक्स ई की पावर एक्स आ गया। ठीक है, ये वापस ये ही नहीं आ गया, तो इसको तो अभी आपने फाइंड किया, इसका डेरिवेटिव ये निकला है। तो बजाय इसके कि आप बार बार फाइंड करें, बार बार प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो आप यहीं से लिख लें कि एक्स ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपने अभी फाइंड किया है वो ये आया आपके पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मेरे पास इसका डेरिवेटिव आया है ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, तो ये मैंने लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। और ये कैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम वन। ठीक है, मैंने रेफरेंस दे दिया कि पहली इक्वेशन से मैं अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करके आई हूँ, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दी, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स आपके पास आ जाएगा टू ई की पावर एक्स, साथ ये एक्स ई की पावर एक्स वैसे। अब इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो मैंने लिखा है कि मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है, और किसका लेना है, टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स का। ठीक है, इसका लेना है। अब ये डेरिवेटिव टू ई की पावर एक्स पे भी लगेगा, ये डेरिवेटिव एक्स ई की पावर एक्स पे भी लगेगा। अब आप देखो ये अगेन एक्स ई की पावर एक्स आ गया, इसका आपने अभी सबसे पहला डेरिवेटिव लिया है, मैं फिर दिखा देती हूँ। ये देखें जी, एक्स ई की पावर एक्स का जब आपने डेरिवेटिव लिया, आपके पास ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स आया, तो मैंने अगेन लिख दिया फ्रॉम वन, इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। यहाँ पे टू कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ ई की पावर एक्स का लेना है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स खुद ही होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स मेरे पास बन गया थ्री ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स साथ वैसे। ठीक हो गया, तीन डेरिवेटिव तक मैंने फाइंड कर लिया। अब इन तीनों डेरिवेटिव में मैंने एक्स की जगह पर क्या रखना है, जीरो रखना है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द मैकलॉरिन सीरीज, और मैकलॉरिन सीरीज में आपका ए जो है
वो फिक्स होता है कि वो जीरो है। तो यहाँ पर मैं x की जगह पर जीरो रखूंगी, इधर भी जीरो रखूंगी, इधर भी जीरो रखूंगी, ठीक है। तो ये सामने मैंने लिखा है f of 0 is equals to 0 into e की पावर 0। किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होती है, बट जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगी आई अगेन गेट 0, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आप देख सकते हैं, आपके पास निकला था e की पावर x प्लस x e की पावर x। यहाँ मैंने लिख दिया कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मेरे पास था e की पावर x प्लस x e की पावर x। यहाँ मैंने x की जगह पर 0 लगाया, इधर भी x की जगह पर 0 लगाया, इधर भी x की जगह पर 0, इधर भी x की जगह पर 0। अब ये चाहे e की पावर 0 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसने आंसर 0 दे देना है। यहाँ पर e की पावर 0 1 होगा, तो आपके पास पहला डेरिवेटिव जो है 0 पर 1 आंसर देगा। उसके बाद डबल डेरिवेटिव आपके पास आया 2 e की पावर x प्लस x e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मैं x की जगह पर 0 लगाऊंगी, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, यहाँ पर जब 0 लगाऊंगी e की पावर 0 1 2 into 1 2, ठीक है। अब आप देखो, आपको यहीं से सीक्वेंस पता चल जाता है, ये 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, इसका मतलब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव में रखा, थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास आया 3 e की पावर x प्लस x e की पावर x। जब यहाँ x की जगह पर 0 रखूंगी, ऑब्वियसली जब यहाँ 0 रखूंगी, ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0 रखूंगी, e की पावर 0 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 0 3। तो आप देखो 0 1 2 3 आपके पास आई है वैल्यूज। उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दें, फॉर्मूला आपके पास f ऑफ 0 प्लस x इंटू f डैश ऑफ 0 प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 प्लस x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0 प्लस एंड सो ऑन। तो पहले का आंसर 0 था, दूसरे का आंसर 1 था, तीसरे का आंसर 2 था, और चौथी वाली चीज का आंसर 3 था। यानी कि f ऑफ 0 का आंसर 0 था, f डैश ऑफ 0 का आंसर 1 था, f डबल डैश ऑफ 0 का आंसर 2 था, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 का आंसर 3 था। तो ये मेरे पास 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x आ जाएगा, x का स्क्वायर, ये 2 और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, x की पावर 3 आएगा, साथ 3 लिखा हुआ है, और 3 का फैक्टोरियल आपको बता दिया लास्ट लेक्चर में कि वो 6 होता है। तो ये 3 वन जो 3, 3 टू जो 6, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस x का स्क्वायर प्लस x की पावर 3 ओवर 2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x आया, फिर x का स्क्वायर आया, फिर x की 3 के नीचे 2 आ गया, तो हमें नेक्स्ट टर्म तो नहीं पता चल रही, तो फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव क्यों नहीं निकाल रहे। देखिए, एक सीक्वेंस सिर्फ आपने देखना होता है, सीक्वेंस आपको यहीं से पता चल गया जब आपने डेरिवेटिव्स लिए हैं, तो डेरिवेटिव्स का आंसर एक सीक्वेंस से आ रहा है, जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस आपका डेरिवेटिव्स में जनरेट हो रहा था कि आंसर 1 है, फिर माइनस 1 है, फिर 1 है, फिर माइनस 1। इसका मतलब सीरीज किसी एक, मतलब कहते हैं ना, राह रास्त पे जा रही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जब मैंने इस क्वेश्चन में निकाला है, तो मेरे पास पहले 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, इसका मतलब है ना कि एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। तो थर्ड डेरिवेटिव तक इसको अगर आप फाइंड कर लें तो इनफ है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक है। फंक्शन आपके पास है 1 ओवर 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन रूल लगाना चाहते हैं लगा लें। क्वेश्चन रूल लगाने के लिए भी मैं आपको आसान एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपका न्यूमिरेटर 1 हो ना, तो डिनोमिनेटर में माइनस, न्यूमिरेटर अगर 1 हो तो जब आप क्वेश्चन रूल लगाते हैं ना, तो आपके न्यूमिरेटर में माइनस आ जाता है, डिनोमिनेटर में पावर इंक्रीज होती जाती है। जब आप पहला डेरिवेटिव लेंगे पावर 2 आएगी, जब आप सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे पावर 3 आएगी, जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे पावर 4 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन रूल लगाना डिफिकल्ट लगता है, तो आप इस 1 प्लस एक्स है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप डेरिवेटिव ले लें, तो आपको पता है पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा, और पावर को छोड़कर जब आप बेस का डेरिवेटिव देखेंगे, तो ये डेरिवेटिव 1 पे भी लगेगा, डेरिवेटिव x पे भी लगेगा। 1 का डेरिवेटिव x के हिसाब से 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 हो जाएगा। तो ये 0 प्लस 1 आपके पास 1 ही होता है, तो आपके पास माइनस 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ माइनस आएगा, पावर 2 हो जाएगी, नेक्स्ट में अगेन माइनस आएगा, पावर 3 हो जाएगी, लेकिन अगेन माइनस आएगा और एक माइनस ये है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में आपके पास प्लस में टर्म आएगी, ठीक है। एनीवेज, ये आपका पहला डेरिवेटिव था। दूसरा डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है, तो मैंने f डबल डैश ऑफ x लिखा, ये माइनस, वैसी ये 1 प्लस x की पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो 1 प्लस x की पावर माइनस 2 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये माइनस मैंने डेरिवेटिव से बाहर निकाल दिया है, डेरिवेटिव सिर्फ मैंने 1 प्लस x की पावर माइनस 2 का लेना है। तो जब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, ये पावर पहले आएगी, माइनस 2 पहले आ जाएगा,
पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर माइनस टू माइनस वन हो जाएगा, और पावर को छोड़कर बेस का डेरिवेटिव भी लेना है, तो ये वन का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से जीरो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से वन, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, वन का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लेंगे जीरो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लेंगे वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा टू इंटू वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, ठीक है। जो अब आप क्वेश्चन टू लगाओगे तो तब भी आपके पास यही आएगा, ये वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री है, तो जब आप नीचे लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट भी क्वेश्चन टू लगाए बगैर भी लिख लेते हैं कि अगर आपके पास ओवर में आ रहा है ना, तो पहला डेरिवेटिव आपने कैसे लेना है, यहाँ माइनस लगाएंगे ऊपर पावर टू। जब आपने दूसरा डेरिवेटिव लेना है, अगर पहले डेरिवेटिव में माइनस आया तो दूसरे डेरिवेटिव में प्लस आएगा, ठीक है। एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पहले डेरिवेटिव में यहाँ टू आया ना नीचे पावर में, तो दूसरे डेरिवेटिव में टू ऊपर आएगा, टू ऊपर आएगा, पावर नीचे जाके ये वन प्लस एक्स की पावर थ्री हो जाएगी। जब आप तीसरा डेरिवेटिव लोगे, पहले डेरिवेटिव में माइनस आया, दूसरे डेरिवेटिव में प्लस आया, तीसरे डेरिवेटिव में फिर माइनस आएगा, ठीक है। तीसरे डेरिवेटिव में माइनस आएगा और ये जो पावर होगी ना, जिसको आपने नीचे लिखा होगा, मतलब आप लिखोगे टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर थ्री, तो जब आप डायरेक्टली लिखते हो ना, तो आप इस थ्री को भी टू से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये आपके पास सिक्स बन जाता है। कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि डायरेक्ट आपको समझा सकूँ, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, पहला डेरिवेटिव आपके पास आया माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वायर, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस में आएगा, और ये जो पावर है ना, ये ऊपर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, टू हो जाएगा, नीचे एक इंक्रीज हो जाएगी, टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर थ्री। जब आप थर्ड लोगे ना, ये आंसर प्लस में आया है सेकेंड डेरिवेटिव का, अगले का फिर माइनस में आएगा, ठीक है। और ये जो पावर होगी ना, ये ऊपर जाके टू से मल्टीप्लाई होनी है, तो टू थ्री ज़र आपके पास सिक्स हो जाएगा, और नीचे पावर बढ़ती जाएगी, यहाँ पहले थ्री थी, यहाँ फोर हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन टू लगाए बगैर भी जब आपके पास न्यूमिनेटर वन हो ना, तो फ्रैक्शन वाली टर्म का डेरिवेटिव जो है वो हमें ईजिली पता चल जाता है कि पहले स्क्वेयर आना है डिनोमिनेटर में, फिर क्यूब आना है, फिर पावर फोर आनी है। इसी तरह न्यूमिरेटर में आपके पास एक वन टाइम माइनस आना है, फिर प्लस आना है, फिर माइनस आना है, ठीक है। और ऊपर वाली टर्म कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। एनीवेज, ये हमने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब आपने वन बाय वन इन थर्ड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पर क्या रखना है, जीरो रखना है। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स में मैंने एक्स की जगह जीरो रखा, इधर भी रखूंगी, इधर भी रखूंगी, तो ये मेरे पास वन ओवर वन प्लस जीरो, वन ओवर वन, दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आया है माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्क्वेयर, इधर मैंने एक्स की जगह जीरो रख दिया, इधर भी जीरो रख दिया, ठीक है। तो जब मैंने इधर भी जीरो रख दिया, इधर भी जीरो रख दिया, माइनस वन ओवर वन, आई गेट माइनस वन। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव आया टू ओवर वन प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री, यहाँ पे जब मैंने जीरो रखा, यहाँ पे भी जीरो रख दिया, तो ये वन प्लस जीरो वन, वन की पावर थ्री वन, टू ओवर वन, आई गेट टू। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव मैंने लिखा है, थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है माइनस सिक्स ओवर वन प्लस जीरो, जीरो की पावर फोर, वन प्लस जीरो की पावर फोर का मतलब है वन की पावर फोर, वन की पावर फोर वन ही होता है, तो माइनस सिक्स ओवर वन, यू गेट माइनस सिक्स, ठीक है। थर्ड डेरिवेटिव तक आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला आपके पास एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स की पावर थ्री ओवर थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव का आंसर आपके पास वन था, सॉरी, पहले जब फंक्शन में जीरो रखा आपके पास आंसर वन था, पहले डेरिवेटिव का आंसर माइनस वन था, दूसरे डेरिवेटिव का आंसर टू था, और थर्ड डेरिवेटिव का आंसर आपके पास माइनस सिक्स था, प्लस एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ गया वन प्लस माइनस माइनस, एक्स वन ज़र एक्स, ये टू इज टू फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा एक्स का स्क्वेयर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सिक्स है और थ्री का फैक्टोरियल भी सिक्स होता है, तो सिक्स सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, यू गेट माइनस सिक्स की पावर थ्री। अब आप देखिए सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, वन माइनस एक्स, एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स की थ्री, आगे प्लस एक्स की फोर आएगा, उससे आगे माइनस एक्स की पावर फाइव आएगा, तो एक सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, सो इट्स इनफ टू फाइंड द थर्ड डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन हमने आज किया, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व देखेंगे। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मैंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।